मतलब फरीदाबाद में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का समापन किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत अन्य अधिकारी और सीएसआर पार्टनर मौजूद रहे। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया है। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में सांसद खेल प्रतियोगिता पिछले साल शुरू कराई गई थी और इस प्रतियोगिता का मकसद दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाना है और उन्हें आगे लाने का मकसद है ताकि वो खेलों के प्रति और खेलों के जरिए अपने आप को आगे बढ़ा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में सबसे बेहतरीन खेल नीति बनाई गई है और इसी के बूते हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद में पिछले साल 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया था लेकिन इस बार परीक्षा देने के बावजूद 6000 बच्चों ने हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में पिछले सालों से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी की एक मंशा है कि देश के दूर दराज क्षेत्रों में, गांवों में, छोटी बस्तियों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको एक ऐसा मंच मिले खेलने के जिससे वो खेलों में उनकी रुचि बढ़े और आगे चलकर वो दुनिया में देश का नाम रोशन करें। तो ये सांसद खेल महोत्सव ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं के लिए एक मंच है, यहाँ उनको मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार 3000 बच्चों ने इस सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लिया था और इस बार परीक्षा का समय होने के बावजूद जब परीक्षाएं चल रही है उस समय में भी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बच्चों ने पिछले से दूसरी दुगनी संख्या में 6000 बच्चों ने इस सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र और हरियाणा के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी विशेष रुचि है, इसीलिए हरियाणा ने पूरी दुनिया में देश के नाम को खेलों में रोशन किया है। जितने पदक देश ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स में लाता है उसमें से अधिकतर पदक लाने वाले हरियाणा के खिलाड़ी और बच्चे होते हैं। तो हरियाणा का नाम और फिर हरियाणा की जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो खेल नई खेल नीति बनाई है ये उसका परिणाम है कि बच्चों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, उनको मौका मिल रहा है और अगर वो गोल्ड मेडल लाते हैं तो उनको 4 करोड़ की राशि, साथ में नौकरी, प्लॉट। अगर वो सिल्वर मेडल लाते हैं तो उनको 3 करोड़ की प्रोत्साहित राशि मिलती है, अगर ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं तो 2 करोड़ की मिलती है और साथ में नौकरियों में उनको स्थान भी मिलता है और रहने के लिए प्लॉट भी मिलता है।